हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर। चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखिए, अब जैसे आप चैप्टर का अगर हेडिंग समझते हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो यहाँ पे दो चीजें, गवर्नमेंट और हेल्थ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आपको इस चैप्टर को देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि कैसे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है उस हेल्थ को सभी लोगों तक एक प्रॉपर हेल्थ को इंश्योर करवाने में, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, और इसी तरह से हेल्थ से जुड़े हुए अलग अलग इश्यूज को आपको जानने को मिलेगा। तो कह सकते हैं एक बहुत ज्यादा नॉलेजफुल चैप्टर है, लेकिन जो आप यूनिट देखोगे तो यूनिट के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसे हम पहले क्लियर करते हैं कंफ्यूजन क्या है। जैसे यूनिट का नाम क्या है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वी विल स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे जो यहां पे लिखा है ना कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे इस यूनिट में। क्योंकि यह वाला चैप्टर और इसके बाद वाला जो चैप्टर है, तो वो इसी बारे में बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कौन चलाता है स्टेट गवर्नमेंट को, कौन नहीं चलाता है। लेकिन हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अभी के लिए इस चैप्टर में, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये हेल्थ में क्या रोल प्ले करती है। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, वी विल स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि हेल्थ को एक प्रॉपर हेल्थ या हेल्थ केयर फैसिलिटी इंश्योर करने में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, स्टेट गवर्नमेंट खास करके, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारा ब्रॉड यूनिट कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ओपनली पढ़ेंगे हम, बाकी ये अभी जो है तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि लोग होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम जनता जी रही है, ठीक है, पीपल, तो पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस। अब जनता जो रहती है तो जनता एक्सपेक्ट करती है किससे, किससे एक्सपेक्ट करेगी, गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करेगी ना। हम ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया की जनता जो है अमेरिका से एक्सपेक्ट करेगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लिए कुछ करेगी। हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब क्या है, यहाँ पे अपना जो राज्य है उसकी बात की जा रही है। राज्य यानी किस सेंस में, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं वहां पे वो सारी चीजें, तो अलग अलग स्टेट्स की बात की जा रही है। और एक टर्म स्टेट का कंट्री के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडियन स्टेट, ऐसा बोलते हैं ना। तो इंडियन स्टेट मतलब देश के लिए भी एक टर्म स्टेट यूज किया जाता है, क्लियर है। तो अभी लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या है, जो स्टेट्स होते हैं अलग अलग 28 स्टेट्स जो है हमारे, उन स्टेट्स की बात की जा रही है। तो पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशन, वो किससे एक्सपेक्ट करते हैं, लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की गवर्नमेंट से, और इन जनरल हम नेशनल गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो पीपल एक्सपेक्टेशंस, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। जनता तो यही चाहेगी कि जनता का भला हो, गवर्नमेंट किस लिए चूज करते हैं हम कभी कभी मान लीजिए हम किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हम अगले चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो वाली पार्टी हमारा भला नहीं कर पाएगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन एज ए सिटीजन, एज ए पीपल, हम लोगों की हमेशा एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो भी हो जनता के हित में होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो क्या करे, वो जनता के भले के लिए काम करे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब भला हमारा कब होगा, जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारे भले में हम हेल्थ को भी इंक्लूड करते हैं ना। जनता का भला कब होगा, जब वहां पे अच्छी रोड होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, महंगाई नहीं होगी ज्यादा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी एक भलाई का एक वो एक पार्ट होता कह सकते हैं, कि हम अपना भला अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें हमारी हेल्थ भी इंक्लूड होगी। आपको पैसा दे दें चाहे बहुत सारा, बहुत अच्छी रोड बना दे, साफ पानी मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, लेकिन आपकी तबीयत खराब है और आपका इलाज नहीं होगा, इलाज बहुत महंगा होगा, तो आप क्या खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्लूड्स हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको जनता का भला करना है तो उसमें हेल्थ भी इंक्लूडेड है, आपको हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा लोगों की, वही चीज यहां पे बताई गई है। तो रिलेट दिस विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, तो इस चीज को क्या करो, गवर्नमेंट से रिलेट करो, गवर्नमेंट के काम से रिलेट करो, कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो ये इंश्योर करती है। अब वापस पीछे चलते हैं, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि लोगों का भला हो, क्यों, क्योंकि ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे गवर्नमेंट खरा नहीं उतरेगी तो गवर्नमेंट अगले चुनाव में हार जाएगी ना। इस कारण से गवर्नमेंट को भी समझ आता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और गवर्नमेंट भी इस बार इसलिए कोशिश क्या करती है कि वो लोगों के भले की कोशिश करे, मतलब कोशिश ही करती है वो, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। हम न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं, हम न्यूज चैनल पे देखते हैं क्या कि कहीं पे इतनी बुरी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, या फिर कह सकते हैं एजुकेशन लेवल जो है कहीं पे बहुत खराब होता है गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो उस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है कि गवर्नमेंट इंप्रूव करें चीजों को। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे गवर्नमेंट क्या करती है, काम करने की कोशिश करती है। तो रिलेट दिस विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना कर पा रही है वो एक
डिबेटेबल इशू है, उस चीज़ पे हम विवाद कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किस हद तक हमारा वेलफेयर किया है, लेकिन गवर्नमेंट ट्राइज टू डू दैट। ये हो गया। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इतना आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि हम हर चीज को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। वी विल स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से, उसके काम करने के जो बोल सकते हैं कि उसका काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कैसे किया है, तो उन सारी चीजों के पर्सपेक्टिव से हम हेल्थ को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम हेल्थ पढ़ेंगे, क्लियर, हेल्थ केयर इन इंडिया पढ़ेंगे, इंडिया में कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसमें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, किस बारे में है ये चैप्टर, ठीक। अब देखो, स्टोरी ऑफ हकीम शेख, ठीक है, तो हकीम शेख की कहानी पूरी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी के थ्रू आपको एक आइडिया समझ में आएगा किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और उसे करना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं किया था हकीम शेख की स्टोरी में। तो क्या है हकीम शेख की स्टोरी, वो आपको बताने वाला हूँ। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, अब हम बात करेंगे कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए तो उसमें कितनी इक्वलिटी, क्या सभी को एक जैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पा रही है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था हमने उसको रिकॉल करो जरा, उस चैप्टर में आप ध्यान करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। फर्स्ट चैप्टर से क्या समझ में आएगी, एक चीज, बेसिक चीज, कि कांता जो थी, तो कांता जब वो हॉस्पिटल की लाइन में लगी थी तो वो क्या सोच रही थी उस समय पे, कि माना वोटिंग करते समय जो जैन साहब थे जिसके यहाँ वो काम करती थी, तो जैन साहब और कांता में वोटिंग करते समय तो इक्वलिटी थी, लेकिन अगर बात की जाए कब की, बात की जाए हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, तो क्या कांता को, कांता जिस प्रकार से लाइन में खड़ी थी, क्या उस प्रकार से जैन साहब को भी लाइन में खड़ा होना पड़ता था अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए, तो नहीं। तो वही चीज यहां पे पढ़ेंगे हम कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होती है उनमें कितनी इक्वलिटी है, क्या सभी को एक ही समान हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, वह चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर चैलेंजेस टू इक्वल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इट। अब अगर हम बात की जाए कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को एक समान नहीं मिल पाती, इक्वलिटी नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, तो क्या चैलेंजेस हैं इक्वल और क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, और इसमें गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है जिसके चलते सारी चीजों को इक्वल किया जा सके। द केरला एक्सपीरियंस, केरला का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे हम, केरला के एक्सपीरियंस से समझेंगे कि कैसे केरला एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर सिस्टम का एग्जाम्पल बनकर हमारे सामने आया, और वैसे ही कोस्टा रिकन अप्रोच भी पढ़ेंगे कि कोस्टा रिका में क्या हुआ। अभी केरला और कोस्टा रिका में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको दिखा देते, देखो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो हमारे सारे स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स में ये जो सदर्न स्टेट है, साउथ वेस्टर्न स्टेट है, ये है केरला, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ठीक। और कोस्टा रिका की अगर बात करोगे तो आप वर्ल्ड मैप उठाओ, वर्ल्ड मैप पे आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो सेंट्रल अमेरिका है ना, तो ये सेंट्रल अमेरिका में देखो ये यहां पर, क्लियर, ये यहां पर है कोस्टा रिका, ये रहा, तो ये कोस्टा रिका है, यहाँ पे पनामा कैनल वगैरह जो है, तो यहीं पे कोस्टा रिका है ये कंट्री, तो इन दोनों ये कंट्री और ये हमारा स्टेट है, तो इस स्टेट के पर्सपेक्टिव से और इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दोनों जगह पे एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट हेल्थ केयर का एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्वालिटी और इक्वल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो यही सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।